किड्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब ऐप पर बेल आइकन को प्रेस करें। सनातन परंपरा के बारे में जानने के लिए धरती पर जाना था। वहाँ सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुंदर, ओ सुंदर, टुनाटुन को नारियल लाने को कहा था, लाया क्या? मैया छुटके राजा तो अब तक सो रहे हैं। उफ़ो, ये लड़का भी ना, जाने कब सुधरेगा। टुनाटुन, कहाँ भाग रहे हो? माँ, मैं वो कितनी बार कहा है तुम्हें टुनाटुन, सूरज निकलने से पहले उठ जाया करो, शरीर स्वस्थ रहता है। क्षमा कर दो माँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पूजा के लिए नारियल कहाँ था, लाए? भूल गया। आजकल तुम बहुत कुछ भूलने लगे हो टुनाटुन, स्नान किया कि नहीं? जी माँ, कर लिया। तो चलो आओ पूजा में बैठो। माँ, आप हर दिन पूजा क्यों करते हो, कभी तो आराम कर लिया करो। हर दिन पूजा करना इस घर की परंपरा है टुनाटुन, और अच्छी परंपराएं कभी तोड़नी नहीं चाहिए। क्या आपने परंपरा कहा माँ? हाँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? माँ, बाल गणेश हमें सनातन परंपराओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, किंतु संसार में जो भी परंपराएं चल रही हैं, उसका पता लगाने का काम हमारा ही है। ये तो अच्छी बात है, बाल गणेश को मेरा धन्यवाद कहना, तुम्हें सद्बुद्धि दे रहे हैं वो। माँ, मुंह बंद करो और पूजा में मेरा हाथ बटाओ। कलश में पान के पत्ते रखो। मुझे नहीं लगता आज टुनाटुन आएगा, इस बार उसके बिना ही सनातन परंपरा को खोजना होगा। तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतनी देर से क्यों नहीं आए टुनाटुन? वो असल में मैं परंपरा को खोज रहा था। सच कह रहे हो तुम? 100% सच। तो बताओ कौन सी परंपरा खोज कर लाए हो तुम? हम हर दिन पूजा क्यों करते हैं? क्या पूजा करना सच में परंपरा है? टुनाटुन ने एकदम सही कहा मित्रों, पूजा करना भी सनातन परंपरा है। बाल गणेश, पूजा की परिभाषा क्या होती है और इसका सही समय कौन सा होता है? ईश्वर की आराधना करना, उनका आवाहन करने को पूजा कहते हैं, यही उसकी परिभाषा है। और पूजा करने के दो सही समय होते हैं, पहले सुबह का और दूसरा संध्या काल का, किंतु कुछ विशेष पूजाएं आधी रात को भी की जाती हैं। ध्यान रहे, पूजा में बैठने से पहले व्यक्ति को क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इन भाव के साथ की गई पूजा का फल कभी नहीं मिलता। हर दिन पूजा करना बहुत आवश्यक है क्या बाल गणेश? ईश्वर से संपर्क स्थापित करने का एकमात्र रास्ता
उनका पूजन ही है मित्रों, इसलिए इसे हर दिन किया जाना अच्छा होता है। इस पूजन से हमें क्या लाभ होता है बाल गणेश? ईश्वर की पूजन से व्यक्ति को मानसिक बल मिलता है, मन स्थिर और प्रसन्न रहता है, व्यक्ति के विचार अच्छे हो जाते हैं, यही अच्छे विचार व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से ईश्वर का पूजन करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। बाल गणेश, ईश्वर का पूजन करने के लिए क्या कोई मंत्र भी है? मित्रों, ईश्वर का पूजन करने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव होना ही बहुत होता है। भक्ति भाव से ऊपर किसी भी मंत्र के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो बात सनातन है वो बताना भी मेरा धर्म है। ईश्वर का पूजन आरंभ करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यो भूतम च भव्य च सर्वयश्च धीष्टति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदों में ऋग्वेद का स्थान सबसे पहला है। उसके अनुसार व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करने के उपरांत ही ईश्वर का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त रात के आखिरी पहर का तीसरा हिस्सा होता है। इस प्रहर में पूजन करने वाला व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला और बुद्धिमान होता है। तो मित्रों, कहो क्या सीखा आपने आज के पाठ से? यही कि हर दिन पूजा करने से व्यक्ति बुद्धिमान और अच्छे विचारों वाला बन जाता है। मैं आज से और अभी से ही प्रण लेता हूँ कि मैं हर दिन माँ के साथ पूजन में बैठूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है।